अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडीज़ किचन विद आमना। कैसे हैं सब? आज मैं बना रही हूँ लोडेड नेचोस। उसके लिए जो है यहाँ पे जो है मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है सॉल्ट डाला है और साथ में ही टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, अजवाइन, जिंजर पाउडर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर और ऑयल डाल के जो है इसको मिक्स कर लिया है। और साथ में ही मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन डाल के भी जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चिकन को जो है मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। डालने के बाद इसको कवर करके जो है ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था मैंने, और नेक्स्ट डे जो है मैंने इसको फ्राई कर लिया था। यहाँ पे जो है मैंने एक एवोकाडो लिया है और उसको कट कर लिया है। और उसके बाद जो है मैंने इसको क्यूब्स में कट करके जो है चम्मच की हेल्प से निकाल लिया था। और इसको जो है मैंने मैश कर लिया है। और साथ में जो है मैं इसमें थिक क्रीम डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक एवोकाडो लिया था जिसमें मैंने 2 टीस्पून जो है थिक क्रीम डाली है, और अब मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने टोमेटोज़ लिए हैं, हेलेपिनोज़ लिए हैं, कैप्सिकम है, ग्रीन ऑलिव्स है और ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे नाचो चिप्स ली है, कॉर्न चिप्स। आप लोग कोई से भी चिप्स ले सकते हैं, डोरिटोस ले सकते हैं या कोई से भी कॉर्न चिप्स जो हो वो ले सकते हैं। अब जो चिकन फ्राई किया था वो मैं इसके ऊपर रखूँगी, चिप्स के ऊपर। और प्याली में जो है मैंने मिक्स करके एवोकाडो और थिक क्रीम जो है मिक्स करके रख दी है। यहाँ मैंने चिकन जो है डाल दिया है। और अब जो है मैं इसमें टॉपिंग्स डालूँगी। पहले कैप्सिकम डाल रही हूँ और साथ में ही मैं इसमें टोमेटोज डालूँगी ऊपर, और ब्लैक ऑलिव्स डाल रही हूँ अब, और ग्रीन ऑलिव्स डाल रही हूँ, और साथ में ही मैं इसके ऊपर हेलेपिनोज जो है वो रख दूँगी। और ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।